खबर रीवा से आ रही है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म बदलकर एक युवती का युवक ने अपहरण किया और उसे यूपी में बंधक बनाकर बलात्कार करता रहा। उसके धर्म के सत्यता सामने आने पर युवती किसी तरह उसे चकमा देकर वापस आ गई और परिजनों को घटना की जानकारी दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली युवती 5 अप्रैल की सुबह घर से निकली थी, जिसके बाद लापता हो गई। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन पूर्व यूपी रहस्यमय ढंग से वापस लौट आई। उसने परिजनों को जो घटना बताई, उसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे युवती को लेकर थाने पहुंचे, जहां युवती ने घटना की शिकायत दर्ज कराई। उक्त युवती का आरोपी अफजल खान पिता सरफराज खान निवासी पथरिया थाना मऊगंज ने अपहरण किया था। आरोपी ने उसे अपना नाम राज रावत बताया था और उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी युवती को ट्रक में बैठाकर फतेहपुर उत्तर प्रदेश ले गया, जहां मैदा मिल के पास किराए का कमरा लेकर रखे हुए था। उसे 3 माह तक घर में रखे था और उसके साथ बलात्कार करता रहा। युवती को घर से बाहर नहीं निकलने देता और जब भी बाहर जाता तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता। जैसे ही युवती को सत्यता का पता चला तो वह युवक को चकमा देकर वापस आ गई। फतेहपुर से प्रयागराज आई और वहां से चाक घाट आने के बाद अपने घर पहुंची। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हाँ, एक कोतवाली क्षेत्र में एक बालिग लड़की थी, जो चली गई थी पहले किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसकी परिजनों की रिपोर्ट पर से गुमनसान रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसके बाद चाक घाट पुलिस के पास वो लोग पहुंचे थे दोनों। कोतवाली पुलिस को खबर हुई, कोतवाली पुलिस के साथ साथ लड़की के परिजन भी चाक घाट गए थे। तो चाक घाट से उस लड़की को लेके आए। उसके बाद कोतवाली में उन्होंने बयान दिया। बयान में उसने बताया कि मैं करीब 2-3 महीने पहले ऐसा ऐसा चली गई थी। उस व्यक्ति के नाम जो था उसमें पहले कुछ दूसरा नाम बता रखा था। जब वो उत्तर प्रदेश में उसके साथ रह रही थी तो उसका आधार कार्ड उसके हाथ में लगा, तो उसने देखा था कि इसका जो नाम है उसमें खान लगा हुआ है। और उसको ये जानकारी लगने के बाद फिर वो प्रयास कर रही थी वापस आने का, उसी प्रयास में वापस आई थी। उसकी रिपोर्ट पर से कोतवाली पुलिस में 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया और उस आरोपी को लेकर थाने आए पूछताछ के, उसको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। बच्ची अभी अपने परिजनों के पास है और आरोपी जो है वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई में है।